तो अक्सर हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग सेमिनार करते हैं, पहला सेमिनार होता है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, है ना, करते हैं ना ये सब, आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, आधे नहीं करते, आधे कंफ्यूज होते हैं कि भगवान है कि नहीं। लेकिन आज भक्तों के समाज में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान है कि नहीं, आज हम ये प्रश्न पूछेंगे कि भगवान क्यों है, व्हाई गॉड एग्जिस्ट। ये तो हम मानते हैं भगवान है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे इतना तो नास्तिक नहीं है हम लोग, बट व्हाई डज गॉड एग्जिस्ट। है ही क्यों भगवान, क्वेश्चन गलत है, व्हाई डज गॉड एग्जिस्ट। प्रभु जी बता रहे हैं जब इतनी सुंदर प्रकृति को देखते हैं तो लगता है कोई ना इसके पीछे तो कोई नियंता होना चाहिए। वो तो ठीक है, एक नियंता है इसलिए ओके। और कुछ माइक में बोलो। एंड ही इज लविंग इन नेचर, सो दैट्स व्हाई ही हैज अरेंजेस एवरीथिंग फॉर अस। ही इज लविंग इन नेचर, दैट्स व्हाई ही हैज अरेंजेस एवरीथिंग फॉर अस। Why does God exist? He is loving. आप गुण बता रहे हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, तभी हमारे लिए सारी सुविधाएं दी हैं, बट वाई? हाँ, Lord exists to enjoy. Yes, Lord exists to enjoy. Very good. Yes. Not only to enjoy, but to continuously increase his enjoyment. भगवान का अस्तित्व है अपने आनंद को बढ़ाने के लिए ना, तो यही प्रयास है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यों ने विल से रस आस्वादन करी। रस का आस्वादन करने के लिए भगवान है, अपने आनंद की वृद्धि के लिए भगवान है। क्योंकि भगवान सब कारणों के कारण है, इसलिए सृष्टि में जो कुछ भी है, जो भी अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व इसलिए है कि हमें भगवान के आनंद को बढ़ाना है। समझिए आप, भगवान का अस्तित्व क्यों है? अपने आनंद की वृद्धि। और भगवान के कारण सब कुछ प्रकट हुआ है, इसका मतलब जो कुछ भी प्रकट है वो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है ओके। अब कोई बोलेगा कि भगवान आनंद बढ़ाना चाहते हैं, कुछ आनंद में कमी हो रही थी क्या? हम लोग बोलते हैं ना, पहला सेशन करते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो बोलते हैं आप क्यों ढूंढ रहे हैं, आप सब आनंद ढूंढ रहे हैं? बोले हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। किस चीज़ को ढूंढा जाता है? जो नहीं है। हम बोले हाँ ये बात तो सही है, तो फिर हम भगवान आनंद बढ़ाने के लिए हैं, इसका मतलब आनंद में कुछ कमी हो रही है। अगर आनंद में कमी हो रही है तो भगवान को हम आत्माराम क्यों बोलते हैं? बोलते ना भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान तो आत्माराम है, आप तो काम है। तो आज थोड़े ये तत्व की चर्चा करेंगे, लीला की चर्चा आज कल करेंगे, तो जागृत रहिए, पहले तत्व समझेंगे फिर लीला अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो भगवान आनंद क्यों बढ़ाना चाहते हैं? कुछ आनंद में कमी हो गई, हम लोग अभी आपका 9 बजे के प्रसाद पाएंगे, अच्छा लगेगा, आनंद की वृद्धि है, फिर थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, आनंद की वृद्धि है। हमारा हर काम करते हैं, हमारा कुछ आनंद कम हो रहता है, आनंद बढ़ाते हैं। तो भगवान का आनंद कुछ कम होता है क्या? आनंद बांटना चाहते हैं ओके। हाँ, तो फिर बढ़ाना क्यों चाहते हैं? कोई व्यक्ति 2 BHK फ्लैट में रहता है, उसको कुछ कमी महसूस होती है 3 BHK में जाता है, कोई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाता है। यस, भगवान अनलिमिटेड बढ़ते रहता है। हाँ, वेरी गुड, यस, धन्यवाद। यस, आनंद कृष्ण इज अनलिमिटेड, और उनका आनंद भी अनलिमिटेडली बढ़ता रहता है। कृष्ण को बोलते हैं रसिक शेखर, है ना, टॉप मोस्ट एंजॉयर, है ना, रस का आस्वादन करते हैं। अब रस का आस्वादन करने के लिए रस की भूख होनी चाहिए। आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, आपका पेट खराब है, आप आस्वादन नहीं कर पाओगे। आपको और गुस्सा आएगा, क्यों रख दिया सामने? तो कुछ का आस्वादन करने के लिए उसकी एपिटाइट, उसकी भूख होनी चाहिए। कृष्ण रसिक शेखर हैं, रस का आस्वादन तब करेंगे रस की भूख होगी।
तो कृष्ण के लिए ना रस की भूख हमेशा बनी रहती है और इसलिए रस का वो आस्वादन करते हैं। और एट द सेम टाइम भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी क्या करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्ण रस की मूर्तिमान रूप में भी हैं, हर प्रकार की अखिल रसामृत मूर्ति हैं। तो कृष्ण के संपर्क में आएंगे हम भी रस का आस्वादन करते हैं, रसो वै सयम रस लब्ध्वा आनंदम भवति। तैतृय उपनिषद बताता है कि वो रस हैं और उनका संग करके हमें जो रस का आस्वादन मिलेगा अब तभी हमें आनंद प्राप्त होगा। जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, रस का आदान प्रदान नहीं करेंगे, हमारा जीवन नीरस है, है ना। तो रस है कृष्ण, रस कहाँ से आएगा, कृष्ण की सेवा करके, क्यों, वो कृष्ण के रस के स्वरूप हैं, अखिल रसामृत मूर्ति भी हैं, रसो वैसा, और साथ ही साथ वो रस के इंजॉयर भी हैं, है ना। जिस प्रकार से बचपन में हम दिवाली के समय में चीनी के खिलौने आते थे ना, चीनी का हाथी बना हुआ, चीनी का घोड़ा बना हुआ, इसी प्रकार से कृष्ण रस के बने हुए हैं, समझने के लिए, अब क्या और समझेंगे हम और हम कैसे समझेंगे। तो रस के बने हुए हैं भगवान, अब उनके हम सेवा करेंगे तो रस का आस्वादन करें, और जब हम रस का आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो रस कृष्ण का और बढ़ता है, आप समझे। हम इस जीवन में जो रस ढूंढ रहे हैं, रस एक जूस है, और कौन सा फल है, वो संबंध, संबंध रूपी फल से रस रूपी जूस की प्राप्ति होती है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है संबंध। इसलिए आध्यात्मिक जीवन क्या है, रिलेशनशिप, संबंध संबंध संबंध। इस भौतिक जगत में भी देखेंगे, अगर कोई घर है उसमें आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा बंगलो है, लेकिन आपस में रहने वालों का संबंध नहीं है, तो वो व्यक्ति में आनंद में नहीं है। कोई बहुत छोटे से या झोंपड़ी में भी रह रहा है लेकिन आपस में संबंध है तो रस है ना। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए, जैसे ही संबंध जुड़ता है तो रस की प्राप्ति होती है ना। और ये रस कहाँ से आता है, कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण का सबसे संबंध है, इसलिए सब कुछ जो अस्तित्व में है कृष्ण के रस को बढ़ाने के लिए और हमें भी रस देने के लिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसका मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है वो कृष्ण के आनंद के लिए है, और हम भी अगर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हम रस का आस्वादन करेंगे, तभी हमारे जीवन में आनंद है। अब जो कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं, ये आस्वादन करते हैं राधा रानी के माध्यम से, क्योंकि वो अलादनी शक्ति है ना, वो उनकी अलादनी शक्ति है। तो इसलिए अलादनी शक्ति के, अलाद मतलब आनंद देने वाले, अलाद मतलब आनंद, हम बोलते हैं प्रहलाद अहलाद दायिने, प्रहलाद महाराज पहले से ही अहलाद में है, प्रकष्ट रूपेण अहलाद प्रहलाद, वो पहले से ही आनंद में है। आप भागवतम के सातवें स्कंद का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, देखते हैं प्रहलाद महाराज पूरे प्रेम के लक्षण दिखा रहे हैं ना, कभी वो नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के विरह में रोते हैं, वो अहलाद में है, प्रहलाद में है, लेकिन नरसिंह भगवान फिर भी प्रकट होते हैं उस प्रहलाद को और अहलाद देने के लिए ना। तो ये अहलादनी शक्ति है, ये अहलादनी शक्ति से भगवान खुद भी आनंद उठाते हैं, और जीव जब भक्ति में जुड़ता है उस अहलादनी शक्ति का संचार ही हमारे हृदय में होता है। हमें जो भक्ति में आनंद मिलता है ये स्मृति राधा रानी से ही आता है, अहलादनी शक्ति है।